प्रिय दर्शकों, रॉकफोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं वीडियो को पूरा देखें। प्रिय दर्शकों, हर व्यक्ति भाग्यशाली बनने की तमन्ना रखता है। इसके लिए वह कई जतन करता है, लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने पर भी उनका भाग्य उदय नहीं होता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। भोपाल के ज्योतिषी पंडित जगदीश शर्मा बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों के दोष होते हैं तो भाग्य की मदद नहीं मिल पाती है और हर काम में आसानी से सफलता नहीं मिलती है। शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें नियमित रूप से करते रहने पर दुर्भाग्य दूर किया जा सकता है। जानिए कौन से हैं ऐसे शुभ काम जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति भाग्यशाली बन सकता है। पहला काम, घर के मुख्य द्वार के दोनों और खिड़कियों का होना दोषपूर्ण माना जाता है। इससे घर के मालिक की आर्थिक समस्याएं बढ़ती हैं। इन खिड़कियों के माध्यम से व्यक्ति का भाग्य हवा के साथ बहकर चला जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए खिड़कियों की चौखटों पर गोल पत्तियों वाले पौधे का गमला रख दें या ऊपर खिड़की में टांग दें। साथ ही अमावस्या पर परिवार के मृत सदस्यों के लिए विशेष पूजा पाठ करनी चाहिए। अमावस्या पर पितृ देवता के लिए तर्पण करें। दूसरा काम, घर में रोज घर के कुल देवी की पूजा करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार हर कुल के एक आराध्य देवी होती हैं, जिनकी आराधना परिवार के सभी लोगों को नियमित रूप से करनी चाहिए। विशेष तीज त्यौहार पर अन्य देवी देवताओं के साथ ही कुल देवी की भी पूजा करना ना भूलें। कुल देवी की पूजा से सभी बाधाएं जल्द ही दूर हो सकती हैं। तीसरा काम, अपने घर या दुकान की तिजोरी या गल्ले में नीचे और ऊपर की ओर आईना लगाएं। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आदमी अधिक आमदनी अधिक होती है और पैसे भी कई गुना बढ़ जाते हैं। साथ ही गले में चांदी या सोने का सिक्का रखना भी बहुत अच्छा माना जाता है। चौथा काम, घर आए गरीबों को धन या अनाज का दाना अवश्य करना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी गरीब हमारे घर आता है वह कभी खाली नहीं जाना चाहिए। दान करने से बड़ी बड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं। घर में तिरछा या घुमावदार चढ़ाव अच्छा माना जाता है। सीधे चढ़ाव पर ची का प्रभाव एकदम तेज होता है, इसलिए कम करने के लिए नीचे 6 खोखली रॉड वाली एक पवन घंटी लटका देनी चाहिए। ये अंग तुर्कों के प्रवेश की सूचना देती है तथा गृह स्वामी को उनके प्रति सचेत करती है।